हेलो गाइस, तो फ्रेंड्स मैं एक नया वीडियो फिर से लेकर आ गया हूं। तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बगल वाला घंटा जरूर दबा दें। इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं मुगलसराय के चंदहासी कोल मंडी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा खदान है या कोल मंडी माना जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें ये चंदौली ज़िले में आता है, आप सभी ने देखा होगा। इसकी लंबाई फ्रेंड्स आपको बता दें लगभग 1 किलोमीटर होगी, जो कोल मंडी से सड़क जाती है मुगलसराय के तरफ। तो फ्रेंड्स हम आज हैं ऑटो से, तो ऑटो से मैं इस वीडियो को शूट किया और आप सभी के लिए तैयार किया हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे और भी उत्साह बढ़े मेरा और लाइक ज़रूर कर दें मेरे वीडियो को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रेंड्स बता दें रजनीकांत जी भी आए थे यहाँ पे फिल्म काला की शूटिंग, या पेटा नाम की शूटिंग इसी जगह की गई थी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये फ्रेंड्स रास्ता जाएगा हिनौली की तरफ, जो कि पावर हाउस भी है यहाँ पे, बिजली विभाग का कार्य यहाँ पे होता है। इस एरिया की पूरी सप्लाई यहीं से होती है। फ्रेंड्स आपको बता दें जो भी लाइट का कार्य होता है या बिजली का बिल जमा होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर आईपी मुगल मॉल के पास। ये मुगल मॉल फ्रेंड्स आपको बता दें पूरे मुगलसराय में एक ही मॉल है जो कि मल्टीप्लेक्स है। यहाँ पे पिक्चर चलचित्र का प्रयोग होता है और आपको दिखाया जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कई प्रकार के यहाँ पे वाहन देखने को मिल सकते हैं, गाड़ी यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स बता दें जिस रोड पर हम चल रहे हैं इसका नाम ग्रांड ट्रक रोड है, जो कि जीटी रोड के नाम से जाता है। इसका फुल नेम ग्रांड ट्रक रोड है। और फ्रेंड्स बता दें इसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था, जो कि मुगल एम्परर रह चुके हैं। सबसे पहला सड़क उन्होंने बनाया था, जो कि आज तक है उसी सड़क पर सरकार द्वारा सड़क बनाई जा रही है। फ्रेंड्स खास बात आपको बता दें आज आपको यहाँ पे कई प्रकार के बैंक अवेलेबल हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी बात पूछनी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और कमेंट करके बताएं। तो इसे कुछ भी आपको पूछना हो मैं बता सकता हूं कमेंट से ही करके। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नई बस्ती, जो कि कुछ ही दूर पे सर्कस रोड देखने को मिल जाएगा। यहां पे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये फ्रेंड्स मोहम्मदपुर की तरफ रास्ता जाता है, नई बस्ती नाम है इसका। फ्रेंड्स और आपको बता दें मुगलसराय में काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था जब से भाजपा सरकार रही है फ्रेंड्स यहाँ पे बैठने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई है। हर जगह आपको बैठने की व्यवस्था दिख जाएगी। और फ्रेंड्स आपको कहीं कभी वीडियो देखना हो तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके, इससे मैं वहाँ का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन हाँ मुगलसराय का ही होना चाहिए। फ्रेंड्स आप जगह का नाम बताइए, मैं वीडियो बनाकर आपको दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं ताड़वीर बाबा के पास, जो कि राइट साइड है। ऐसे ही बाबा फ्रेंड्स आपको पड़ाव की तरफ जाते समय घंटा बाबा दिख जाएंगे, जो कि दत्तावीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी वीडियो मैं भी बना चुका हूं और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, वहां पे सब दिया गया है और पूरी अच्छी जानकारी बताई गई है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम आ चुके हैं गुरुद्वारा के पास। फ्रेंड्स आपको सुभाष पार्क की जानकारी दे दें, आप देख सकते हैं सुभाष पार्क अब नहीं रहा।
क्योंकि सुभाष पार्क टूट चुका है और इसमें अब कोई भी कार्य करने लायक नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यहाँ पे बड़ी सी टंकी बन रही है जिससे पानी की सप्लाई पूरे मुगलसराय नगर में होगा। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं चंदौली के सबसे बड़े सब्जी मंडी में, जो कि चंदौली तथा अन्य ज़िले से यहाँ सब्जी सप्लाई होती है। वाराणसी से सब्जी यहाँ पे सप्लाई होती है, आती है। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मुगलसराय के मेन मार्केट में। यहाँ पे हर तरह के सामान आपको अवेलेबल हैं, उपलब्ध हो जाएंगे। आप कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, यानी कुछ भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें, सामने आप ये दुकान देख रहे हैं, ये लड़कियों का फेवरेट दुकान है। यहाँ पे गोलगप्पा, मोमोज तथा अन्य चीज़ें भी मिलती हैं। फ्रेंड्स सामने आपको गुंबद दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स आपको बता दें, यह मुस्लिमों का काफ़ी अच्छा मस्जिद है, जो कि अभी अभी न्यू बनाया गया है। गुंबद काफ़ी बड़ा है बनाया गया है, जो कि टावर की तरह है लगभग। फ्रेंड्स इसका नाम जामा मस्जिद है। आपको बता दें, ये मस्जिद 16-17 में बनकर तैयार हुई, सन 2016-2017 में। फ्रेंड्स ये मेन मार्केट है और आपको सामने काली माता का मंदिर दिखाई पड़ेगा, जो कि मुगलसराय का सबसे फेमस टेम्पल यानी मंदिर कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटा जरूर दबा दें। इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगे आपको ठीक समय पर मिल जाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।